प्रभु राम जी के हम पर आशीर्वाद बने रहे, मानवता के मार्ग पर चलने की हमें ताकत मिले, बुद्ध का मार्ग हमारा अंतिम मार्ग बना रहे। हम तो यहाँ को शैतान मारते ही नहीं है, हम तो शैतान पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान नए रोज पैदा करते हैं। हम किस चीज का जश्न? Now in a time Diwali is celebrated openly and proudly here in the West. पूरी दुनिया में जो है वो हिंदू बरादरी जो है वो अपने पूजा पाठ और जो दिवाली का त्यौहार जो मना रही है इसी तो मैं इसलिए कहता हूँ, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे शबरात हो, उसे बड़े तरीके से आप मनाएं, आप पटाखे चलाएं, आप अपने अपने मजहबी त्यौहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाएं। सात घर डैन भी छोड़ती है, सात घर डैन छोड़ देती है, हम कोई घर ही नहीं छोड़ते। हर मुल्क के साथ हम खराब हैं, हर मुल्क के साथ खराब हैं। देखिए दुनिया में हम मुसलमान नहीं है ना, हमारे अलावा भी बहुत मुसलमान पाकिस्तान को। दिस इज व्हाट द न्यूज इज जो आ रही है पिछले दो एक मेरी अभी कोई तफसीली बात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान को इस दफा नहीं ना दावत थी, ना शमूलियत थी, ना ठीक है, ठीक है। क्या मोदी को उन्होंने गले से उतार दिया? क्या मोदी को वो गले नहीं लगाते हैं। उनको नहीं पता ये भी हिंदू है, लगा रहे हैं उनको। देखिए जहां हमारा खाना काब है, जहां हमारा मदीना है, मक्का मदीना है, जहां इस्लाम शुरू हुआ है, वो मुल्क जब मोदी को गले लगा रहे हैं। और जितने भी इंडियंस अमेरिकन्स हैं उनसे कहते हैं कि व्हाइट हाउस भी आपका है और साथ साथ आप एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और इसके अलावा वही रंगोली वाला वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। आपका जो दीन है वो अमन वाला दीन। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, फिलहाल 180 देशों में जो है दिवाली का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो दो दिन के लिए, लेकिन कुछ देशों में इस तरीके से रिवाज है इस दिवाली को मनाने का कि कहीं देशों में 5 दिन से लगातार दिवाली चल रही है। और बहुत सारे देश हैं जो कि श्री राम प्रभु की वहाँ पर मतलब पूजा भी होती हैं और वो पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ में इस दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम मुल्क भी हैं जिसमें बहुत सारे मतलब मुस्लिम मुल्क भी है, खासकर अमेरिका में भी दिवाली की सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई और साथ में बात बहुत ही धूमधाम से ये पर्व जो है मनाया जा रहा है। और खासकर मैं आपको बता दूं, हिंदू फेस्टिवल में सनातन धर्म की खुशबू तो होती ही है और मुस्लिम लोग भी जो हैं इस त्यौहार को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप आगे वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा तो पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रहा है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। जब वो उनको मंदिर बनाने दें, मुसलमान बने, बदमाश ना बने, किसी को ज़बरदस्ती वो किसी दीन पे ना लेके आए, आप खुद ठीक रहें। आपको क्या है किसी ने अगर कोई राम का कलमा पढ़ता है, किसी कोई रहमान का पढ़ता है, किसी आपको क्या टेंशन? कायद आजम ने अपना मुलाजम हिंदू रखा हुआ था, खुद कायद उसको पता था ना ये सही है, मुसलमान होगा तो मेरे साथ चोरी करेगा, मेरे साथ फ्रॉड करेगा। और भाई जब कायद आजम ने आपको सिखाया था कि भाई कायद आजम ने हिंदू लड़की से शादी की थी, कायद आजम ने क्या सिखाया था कि ये लोग ठीक हैं, इनसे बना के रखो, हमने तो उनसे बना के नहीं रखी, हमने तो बिगाड़ के। दिवाली लाहौर में इसलिए नहीं बनाई जाती ना कि बस हिंदू, ये हिंदुओं का त्यौहार है। अगर ये होता ना ईसाइयों का त्यौहार या सिखों का त्यौहार या यहूदियों का त्यौहार होता है या किसी भी मज़हब का होता ना तो शायद हम मनाते, ठीक है ना, वैलेंटाइन डे जैसे मना रहे हैं, ठीक है, और हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, ये भी मनाते। सिर्फ हमें हिंदू से नफरत है इसलिए नहीं मनाते। भाई ये खुशी की बात है, आपको मनाना चाहिए और ये नफरतें ख़त्म करनी चाहिए। जब तक हम नफरतें नहीं ख़त्म करेंगे तो हम तरक्की नहीं करेंगे। हिंदुस्तान ने नफरतें तो ख़त्म की हैं, वो दुश्मन के सामने भी जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसको सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं तो दुश्मन भी ठंडा हो जाता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शायला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। मेरे तमाम हिंदू भाई बहनों को जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। दोस्तों आज का शो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला था क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो इंडिया से है और दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मनाया जा रहा है। तो मैं सोची थी कोई ऐसा गेस्ट मैं अपने शो पे लेके आऊं जो कि जो हमारा मकसद है सेलिब्रेशन का, एक पॉजिटिव मैसेज का, पीस का, ह्यूमैनिटी का, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंच सके, मोहब्बत की बात हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू है उनको हम विश करना चाहते थे बड़े स्पेशल अंदाज से। तो फिर जो है हमने आज अपने शो पर अंकल अकबर को इन्वाइट किया। अंकल अकबर आप सबके ही फेवरेट हैं और दिवाली का मौका है और इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे
कि ये क्या सोचते हैं सनातन धर्म पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ हम किस तरह से आज के इस खास मौके पे कोऑपरेट कर सकते हैं। तो अंकल को जी हम वेलकम कहते हैं और साथ साथ हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो दिवाली का ये जो स्पेशल शो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो है बात पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। अंकल थैंक यू सो मच लास्ट शो हिट करने के लिए, बहुत पसंद किया मेरी तमाम ऑडियंस थे आपको। शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इज्जत दी कि इस खास शो पे मुझे बुलाया। देखिए तो शो तो रोज़ाना होते हैं ना जी। कोई ना कोई टॉपिक होता है तो एक ये बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत बड़ा हमारे दोस्तों की एक ईद है, जिस तरह हमारी बड़ी ईद होती है छोटी ईद होती है। तो ये अब जब हम अपनी खुशियां मनाते हैं तो हमें पता है उसका एहसास होता है कि हम किस तरह खुशी मनाते हैं, और हमें कोई विश ना करे तो हमें बड़ा गुस्सा आता है कि देखो जी हमारी हमें आज किसी मिलने ही नहीं आया, हमें किसी ने कोई ईद कार्ड नहीं भेजा, कोई मैसेज नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि उनका गिला रहता मेरे पे कि अंकल ने हमें विश नहीं किया। तो भाई नमस्ते और आप हैप्पी दिवाली तमाम हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितनी में जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है। तो हैप्पी दिवाली, आप एंजॉय करें, आपका जो दीन है वो अमन वाला दीन है, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। हर बंदा आपसे इंस्पायर है, हर बंदा आपको फॉलो कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आपको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आज हम बात करेंगे कि दिवाली को इस वक्त दोस्तों 1 बिलियन से ज़्यादा जो है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी कंट्री में तो 5 दिन का फेस्टिवल है, भारत के अंदर भी एक इस फेस्टिवल को बहुत ज़ोरों शोर से मनाया जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें, सुपर पावर की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो बाइडन जो है आज दिवाली व्हाइट हाउस में मनाते हैं और जितने भी इंडियंस अमेरिकन हैं उनसे कहते हैं कि व्हाइट हाउस भी आपका है और साथ साथ आप एक इमर्जिंग इकॉनमी है, दुनिया को आप सबकी जो है इंडियंस की ज़रूरत है, और वो दिए जलाते हैं, खुशी मनाते हैं। साथ साथ अमेरिका ने आज जो है छुट्टी का भी ऐलान कर दिया कि ऑफिशियल हॉलीडे है जी, क्योंकि दिवाली है। इंडिया का कल्चर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट हो रहा है, जो कोई मुस्लिम है तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई सनातनी है, लेकिन जहाँ पर बात इंडियन फेस्टिवल की आ जाती है, सनातन धर्म की आ जाती है, वहाँ पर दुनिया के अंदर यूनिटी पाई जाती है। देखें बहुत बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान जो है ना, बहुत बड़ी जमहूरियत है पूरी दुनिया में, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे मज़हब है। इतने मज़हबों को लेके चलना, इतने लोगों को कंट्रोल करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के देखें 4 सूबे 5 सूबे हैं, तो ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, 4-5 यहाँ मज़हब हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहाँ तो मेरा ख्याल 50 क्या 500 से ज़्यादा मज़हब है, इतने लोगों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। और ये ही इसी चीज़ से इंडिया पूरी दुनिया इंस्पायर हो गई है कि ये कैसे लोग हैं, इनका कैसा अमन वाला दीन है कि ये हर यहाँ पे ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है, ठीक है, सादा। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि सादा ज़िंदगी गुजारते हैं हिंदू, अपने कल्चर में रहते हैं ना। देखिए बाहर जाते हैं अपनी सलवार कमीज कुर्ते में ही जाते हैं, क्या उनके पास पैसे नहीं है मोदी जी के पास, क्या 3-पीस सूट नहीं पहन सकते हैं, मगर वो अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हैं ना। हमारे तो वहाँ पे वो उन्होंने सादे कपड़े पहने होते हैं और हमारा 3-पीस सूट पहन के गया होता है, और उसको कम्फर्टेबल भी नहीं होता, और कम्फर्टेबल भी नहीं होता, और फिर भी वो उसको वो पहनता है कि जी उनको खुश करने, अबू जी को खुश करने के लिए, कि हमारे अबू जी खुश हो जाएं कि हमारे कपड़े कल्चर फॉलो कर रहा है। तो जो वज़ीरे आज़म अपना कल्चर खुद नहीं फॉलो करेंगे जो मुल्क, तो वो कैसे तरक्की करेंगे। तो हिंदुस्तान का यही राज है अमन की। देखें अब भी कोई भी यहाँ हम गैर मुल्की, अभी सही का इजलास हुआ है।